हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई फॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है 15 दिसंबर को। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया था और इसके संदर्भ में रेलवे चेयरमैन विनोद कुमार यादव की तरफ से भी ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से ही कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक एडमिट कार्ड के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। फाइनली दोस्तों, उसी के रेलवे एनटीपीसी एडमिट कार्ड के बारे में यही आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं जनसत्ता के ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 एडमिट कार्ड आरआरबी की तरफ से नहीं आई है एडमिट कार्ड को लेकर ऐसी कोई जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अभी तो फाइनली आरआरबी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आया है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी होते ही आवेदक को फ़ोन पे बोर्ड द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी कर देता है तो आपको ईमेल या मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जल्द ही एनटीपीसी सीवीटी 1 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही अब एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। रेलवे की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। एडमिट कार्ड आरआरबी एनटीपीसी आधिकारिक वेबसाइट के अलावा और किसी जगह से डाउनलोड किए जा सकेंगे, ये अभी तक नहीं कोई जानकारी आया है ऑफिशियल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी होते हुए आवेदक के फ़ोन पर बोर्ड द्वारा मैसेज भेजा जाएगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर एडमिट कार्ड जारी होने का नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है दोस्तों, जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी करता है तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उस पर परीक्षा का दिन, समय, शिफ्ट, सेंटर आदि को जानकारी चेक कर लेंगे। परीक्षा हॉल में प्रवेश संबंधित नियम भी प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट निकाल पर उसमें अपनी एक पासपोर्ट, ये तो दोस्तों पासपोर्ट ये तो बात की बात है, लेकिन दोस्तों एडमिट कार्ड जारी होते हुए आपको सूचित कर दिया जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पर। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।